सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वेलोसिटी एडिट करना। आपको भी इस तरह का वेलोसिटी वाला वीडियो एडिट करना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, एंड आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फुटेज को फाइंड करना है। फुटेज को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डांस मेमे, उसके बाद सर्च कर लेना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे डांस वाले मेमे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वेलकम वाला है, ठीक है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर नीचे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यदि आपको मिस्टर बीन्स का डांस वाला मेमे चाहिए तो आपको यहाँ पे डांस के पहले मिस्टर बीन्स लिखना पड़ेगा और इसके बाद सर्च कर लेंगे तो आपको मिस्टर बीन्स का जो है डांस मेमे मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये वाला फुटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक डांसिंग वाला वीडियो डाउनलोड कर लेना है जिस पर आप वेलोसिटी एडिट करना चाहते हो, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम से कोई रील्स भी ले सकते हैं वेलोसिटी एडिट करने के लिए, ओके। अभी हम जो वीडियो एडिट करेंगे उसमें हम एक भोजपुरी रील्स लेंगे और उसी को हम वेलोसिटी एडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एडिटिंग को स्टार्ट किया जाए मालिक। तो फुटेज को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फुटेज को स्लोमो करना है और उसको थोड़ा सा स्मूथ करना, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम कट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देखिए इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इतना का इसका इंटरफेस आएगा और ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रो स्पीड एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपने जो वीडियो डाउनलोड किया है जिसका आप वेलोसिटी एडिट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला वीडियो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ ऊपर देखिए टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से आपको रेशियो चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 9:16 का रेशियो चूज कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एंड अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसके स्पीड को 0.1x कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से क्लिक करके। उसके बाद राइट में आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके म्यूजिक को म्यूट करके यहाँ से ओके करेंगे। एंड ऊपर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। क्वालिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आप, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट होने लगेगा सेविंग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेव टू एल्बम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक VPN ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला VPN यूज कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपको सिंपली कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आपका जो VPN है कनेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो वीडियो आपने अभी जस्ट एक्सपोर्ट किया है टाइम कट एप्लीकेशन से उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हमारा ऐड हो चुका है। अब इसके बाद नीचे आपके यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके 9:16 का फॉर्मेट चूज करेंगे। एंड फॉर्मेट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेना है। चलिए यहाँ से म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। साउंड पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ से म्यूजिक को ऐड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो म्यूजिक है ऐड हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक के लेयर पे क्लिक करना है और आपको नीचे यहाँ पर मैच कट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए आपको यहाँ पे बीट नहीं ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑटो जनरेट बीट, इस पर क्लिक करेंगे अपने आप आपका बीट लग जाएगा। देखिए यहाँ पर अपने आप बीट लग चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वेलोसिटी बीट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको प्ले कर लेते हैं यहाँ से आके, ओके। तो गाइज यहाँ से हमारा जो फर्स्ट वेलोसिटी बीट है स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस वाले बीट पे आ जाना है और नीचे आपको यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक कट लगा देंगे और इसके बाद अगले वाले बीट पे आएंगे और यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे, ठीक है। अब बीच में जो आपका फुटेज है इस पर क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और आपको इन एनिमेशन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है रॉक वर्टिकल और इसका जो ड्यूरेशन है इसको फुल कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, इस अगले वाले फुटेज पे क्लिक करेंगे, ओके। एंड आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल में जाएंगे और इसका जो स्पीड है आपको रखना है 15.4x, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको इस वाले बीट पे आ जाना है जहाँ से आपने कट लगाया और इसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पर आपको एक कट लगा देना है और जो बीच में आपका फुटेज आएगा उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए 0.3 सेकंड, ठीक है,
देखिए यहाँ पे 0.3 सेकंड हो गया है एंड इसके बाद आपको इस वाले बीट पे आना है, ठीक है। अगले वाले बीट पे आएंगे और फुटेज पे क्लिक करके फिर से आपको स्पीड पे आना है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1x कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से ओके, इसके बाद यहाँ पर एक कट लगा देंगे, ओके कट लग गया। फिर से आपको वही काम करना है, स्पीड पे आना है, नॉर्मल पे जाएंगे और यहाँ पे 15.4x स्पीड करेंगे इसका। एंड इसके बाद यहाँ से डन, इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा आगे आना है इस तरह से एंड यहाँ पे एक कट लगा देंगे। एंड यहाँ पे बीच में जो आपका ड्यूरेशन होना चाहिए 0.3 सेकंड, लेकिन यहाँ पे कितना ड्यूरेशन है 0.2 सेकंड। तो यहाँ से हम बैक करेंगे और थोड़ा सा और आगे आएंगे एंड यहाँ पे फिर से कट मारेंगे और यहाँ पे हो गया 0.3 सेकंड हमारा, ठीक है। एंड आपको फिर से अगले वाले बीच पे आ जाना है इस तरह से, फिर से आपको स्पीड में आना पड़ेगा, नॉर्मल पे आएंगे और यहाँ पे 1x करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से डन और यहाँ पे एक कट लगा देंगे। तो एक बार आपको यहाँ पे इसका जो स्पीड है 15.4x रखना है और दूसरी बार आपको नॉर्मल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वेलोसिटी को एडिट कर लिया, अब इसके बाद बारी आती है इस वाले क्लिप को एडिट करने की जहाँ पे आपका ये आवाज़ आ रहा है, ठीक है, चिल्लाने की। अब इसके बाद इस वाले बीट पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमारा चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। इस वाले बीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक कट लगा देंगे और आपको यहाँ इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ट्रांजिशन वाला विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपको आना है कैमरा में और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है पुल आउट वाला और इसके बाद यहाँ से डन करेंगे और इसके बाद अगले वाले बीट पे यहाँ पे आके एक कट लगा देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आएंगे और यहाँ कट लगाएंगे। कट को लगाने के बाद आपको इस फर्स्ट वाले फुटेज पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको एनिमेशन वाले पे जाना है और कॉम्बो में जाएंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है जूम इन वाला, ठीक है। ये देखिए जूम इन वाला अप्लाई करेंगे और इसके बाद यहाँ डन। इसके बाद आपको अगले वाले फुटेज पे क्लिक करना है और इन एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे आपको रॉक वर्टिकल यूज कर लेना है और इसका जो स्पीड है और इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ा देंगे और यहाँ से डन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है फास्ट बीट है तो आपको इस वाले पे आना फिर से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके बाद वीडियो इफेक्ट में आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक फ्लैशेस यूज कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर पार्टी वाले में मिल जाएगा ब्लैक फ्लैशेस, इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे, ओके। और इसका जो ड्यूरेशन है इतना रखेंगे, ठीक है, कम करेंगे, जहाँ तक इसका बीट है उतना ही रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ तक इसको रखेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका जो स्पीड है बढ़ा देना है, ठीक है। एंड यहाँ से डन करेंगे, इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पर एक इफेक्ट और अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएंगे इफेक्ट पे, वीडियो इफेक्ट पे, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है शेक वाला, ठीक है। बेसिक वाले में आएंगे और यहाँ पर आपको शेक वाला मिल जाएगा, इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है कम करेंगे, ठीक है। ये देखिए कम कर लेते हैं, इसको कम हो गया। एंड इसके बाद आपको एडजस्ट के ऑप्शन पे आना है और इसका जो स्पीड है बढ़ा देना है और इंटेंसिटी को कम कर लेना है, ठीक है, 23 या फिर 25 कर। एंड यहाँ से डन करेंगे, अब यहाँ पे जो वीडियो है कुछ इतना का बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपको फिर से वही कार्यक्रम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वाली वीडियो पे क्लिक करना है, स्पीड पे आना है, नॉर्मल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको इसका जो स्पीड है 15.4x एंड यहाँ से ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर 0.3 सेकंड पे आके कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कट करेंगे, ये देखिए बीच में 0.3 सेकंड हो गया। एंड इसके बाद अगले वाले बीट पे आएंगे इस तरह से एंड इसका जो स्पीड है फिर से नॉर्मल कर देंगे 1x एंड यहाँ से डन और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। फिर से आपको वही काम करना है, स्पीड पे आना है, नॉर्मल पे जाएंगे और यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको इसका स्पीड 15.4x एंड इसके बाद आपको यहाँ से डन करना है और इसके बाद आपको फिर से आगे आना है और यहाँ पर 3 सेकंड के 0.3 सेकंड के क्लिप को कट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंड आपके एंड इसके बाद आपको फिर से अगले वाले बीट पे आके यहाँ पे इसका स्पीड कम करेंगे 1x, ठीक है। एंड यहाँ पर कट लगा देंगे, तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बताते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो गाइस यहाँ पे जो हमारा स्पीड वाला प्रोसेस था कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ से आपका वेलोसिटी बीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्लैशेस ऐड करना है, ठीक है। उसको कैसे ऐड करेंगे, आपको इस वाले बीट पे आ जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपका वेलोसिटी फर्स्ट बीट है, ओके। एंड आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले करेंगे, और ऊपर आपको यहाँ पर स्टॉक वीडियोज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वाइट वाला स्टॉक ले लेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसके बाद इसको रोटेट करके जूम कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से जूम कर लेंगे। एंड इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है कम करेंगे, ओके। इसका जो ड्यूरेशन है आपको रखना है 0.2 सेकंड रख लेंगे, ठीक है, 0.2 सेकंड इतना रखेंगे। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आउट का एनिमेशन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फेड आउट वाला, और यहाँ से डन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फ्लैशेस वाला इफेक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। एंड ये जो आपका इफेक्ट बना है इसको कॉपी करके जितने भी आपके बीट हैं सभी बीट पे लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे जाएंगे कॉपी करेंगे, ठीक है, दो तीन कॉपी करेंगे एक बार में, एंड इसको सभी बीट पे लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ इस वाली बीट लगा दिया, एंड इसको पकड़ के इस वाली बीट लगा दिया, एंड इसको इस वाले पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा फ्लैश वाला इफेक्ट लग चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है जहाँ से आपका बीट स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे शेक वाला इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, तो इस वाले बीट पे आ जाएंगे। एंड आपको इफेक्ट पे आना है, ये देखिए इफेक्ट पे आएंगे और वीडियो इफेक्ट में आएंगे। इसके बाद आपको बेसिक भी मिल जाएगा शेक वाला, ठीक है, इसको इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। एंड इसका जो ड्यूरेशन है सबसे पहले कम करेंगे, ओके, इतना कम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, इतना बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद एडजस्ट में आके इसका जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है, 25, ओके, जितना रहना 25 कर लेंगे, ठीक है, 24, 25, ओके। एंड इसके बाद इसको कॉपी करके सभी बीट पे लगाएंगे, चलिए करते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पे हमारे सभी बीट पे शेक वाला जो इफेक्ट लग चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है, और आपको फिर से यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, वीडियो इफेक्ट पे आएंगे, और यहाँ पे आपको एक ब्लिंकिंग इफेक्ट लगाना है, एकदम कम वाला जो ब्लिंक करता है उसको लगाना है, ठीक है। तो कहाँ पर मिलेगा भाई, तो इसका नाम है स्ट्रोब, देखते हैं कहाँ पर है। आपको यहाँ पे पार्टी वाले मिल जाएगा, इसका नाम है स्ट्रोब, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए कितना अच्छा ब्लिंकिंग कर रहा है। और जहाँ तक आपका ये वाला वीडियो है उसको लगाएंगे, ठीक है, जहाँ से आपका बीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रुक जाएंगे आके, ठीक है, देखिए यहाँ तक इसको लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ब्लिंकिंग कर रहा है, अच्छा लग रहा है देखने, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आ जाएंगे इस वाले बीट पे, ठीक है। एंड आपको फिर से क्या करना है, इफेक्ट पे आना है और वीडियो इफेक्ट पे आएंगे, और इसके बाद आपको आना है डिटेल में, ओके। डिटेल में आने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिल जाएगा मून ऑफ वाला, इसको लगाएंगे, एंड यहाँ से ओके। एंड अब यहाँ पे हमारा जो वीडियो है फाइनली तैयार हो चुका है, अब इसको हम प्ले करते हैं। तो गाइज इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।